ट्रेन से भारत यात्रा के इस सफर में हमने अभी तक काफी सारे ट्रेनों में सफर किया, लेकिन आज जिस ट्रेन से सफर करने वाली हूँ उसके सामने बाकी ट्रेनें छोटी नजर आती हैं, क्योंकि आज हमारा सफर होने वाला था 12985 जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर एक्सप्रेस में। तो सुबह सुबह मैं आ गई जयपुर स्टेशन। स्टेशन का नजारा सुबह के टाइम में कुछ ऐसा था, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि अपनी ड्रीम जर्नी मैं करने जा रही हूँ। स्टेशन के अंदर गई तो ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी हुई थी। इसका रेड और येलो कलर का लुक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मेरा कोच था C5 अपर डेक। ऐसी होती है डबल डेकर एक्सप्रेस, एक अपर डेक एंड 1 लोअर डेक। फिर फटाफट से अपने सीट पे गई, सामान रखा और चली गई ट्रेन का लोकोमोटिव को देखने। दिल्ली तक ले जाने के लिए इसमें लगाया गया था गाजियाबाद का VAP 7 लोकोमोटिव। फिर हमारे बगल वाले प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आई और ऑन टाइम हमारे ट्रेन का डिपार्चर हुआ और इस तरह हम निकल गए 303 किलोमीटर के कमाल के सफर में। इसके आगे क्या हुआ जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए।